हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फ़िश कैसे स्टोर करते हैं फ्रिज में ये मैं बताऊंगी। फ्रेश फ़िश आ गई है और अभी मुझे बनाना नहीं है, तो मैं इसे किस तरह से रखती हूँ ये मेरा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, हर तरफ से साफ़ कर लिया। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपक भी जाएगी और बहुत बनाते वक्त ये टूटेगी भी, और फ्राई करके भी रख सकते हैं, लेकिन ये अगले दिन फ्रिज में रखने से ये एक दूसरे से चिपकती है और बनाते वक्त टूटती भी है। तो मैंने इसमें पानी डालूँगी, साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से, और खूब सारा पानी डालना है इसमें। इस फिश को मुझे अगले दिन बनाना है, तो इतना पानी डालेंगे कि ये इसमें तैरने लग जाए। इसमें अच्छी तरह से ये डूब गई है, देखिए। अब इसे फ्रीजर में रख देंगे। आप इस तरह से 2 से 3 दिन भी फिश को रखिएगा और बिल्कुल ताज़ी बनी रहेगी। मैंने फिश को रात भर रख दिया था, देखिए फ्रीजर में ये पूरी तरह से जम गई है। आप इसे 4-5 दिन तक इसी तरह से रख सकते हैं, जब यूज़ करना हो इसे निकालिए, और जब ये पूरी तरह से इसका पानी पिघल जाए तो फिश को यूज़ कीजिए। मुझे फिश को आज बनाना है, तो मैंने इसे निकाल के बाहर रख दिया है फ्रीज़र से। ये अभी बहुत सख्त है, जब पूरी तरह से पिघल जाए फिर इसे यूज़ करेंगे। बनाने से 2 से 3 घंटे पहले आप इसे निकाल के रख दीजिए। पानी पूरी तरह से पिघल गया है और फिश अलग हो गई है, बिल्कुल फ्रेश है अभी भी, जैसे कि अभी कटवा के लाई गई है, देखिए। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे कई दिन तक इस तरह से फ्रिज में जमा करके रख सकते हैं, और जब दिल चाहे इसे निकाल करके यूज़ कीजिए। अगर आप काफ़ी टाइम लग रहा है इसे इसकी बर्फ़ को पिघलने के लिए, तो आप रनिंग वाटर के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, बहुत ही जल्दी बर्फ़ पिघल जाएगी और फिश बिल्कुल अलग हो जाएगी।